बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है गोला कबाब। बकरा ईद हो और डिफरेंट डिफरेंट तरह के कबाब ना बने, बारबेक्यू ना बने तो मज़ा ही नहीं आता। तो आज जो मैं आपको एक स्पेशल सी रेसिपी देने लगी हूँ गोला कबाब की, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। अगर आप रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपके कबाब बहुत जूसी और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, ठीक है। स्पाइसेस देख के आपने घबराना नहीं है, मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो स्पाइसेस की क्वांटिटी बताऊंगी, आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, ये देख लीजिए कीमा है मेरे पास, ये तकरीबन 2 kg जो है वो कीमा है और इसको मैंने चॉप कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। चॉपर में मैंने इसको बिल्कुल चॉप कर लिया है और आप इसकी ये लुक चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल चॉप है, ठीक है। ये तकरीबन 2 किलो जो है वो कीमा है, इसको मैं सबसे पहले ट्रांसफ़र करूँगी एक बड़े बाउल में, ठीक है, क्योंकि हमने मिक्सिंग करनी है तो छोटा बाउल हमारा नहीं चलेगा हमारे पास, तो मैंने ये मिक्स करना है इसके अंदर सारे स्पाइसेस। कैमरा हम अपना सेट करते हैं और स्पाइसेस को हम ऐड करते हैं, ठीक है। बगैर देर किए हम रेसिपी को स्टार्ट करने लगी हूँ मैं। ये मैंने कीमा ले लिया है और इस कीमे के अंदर जो है मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ और आपको बिल्कुल सही नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले मैंने लिया है ये लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास, ठीक है। ये है तकरीबन 2 टेबल स्पून, ठीक है, 2 टेबल स्पून जितना जो है वो। और ये देखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, आपने इसको बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा ग्राइंड करना है। ये मैंने इसमें ऐड किया। उसके बाद ये देख लीजिए कच्चा पपीता है मेरे पास, ठीक है, ये तकरीबन ये भी 2 टेबल स्पून जितना है और स्किन के साथ जो है ये मैंने इसको ग्राइंड किया है। आपने ये ऐड करना है इसमें और ख्याल रखिएगा कि अगर आपके पास ये ना हो कच्चा पपीता तो आप इसमें जो है वो मीट टेंडराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं या कचरी पाउडर होता है आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें मैंने इसमें ऐड की। ये मेरे पास कॉर्नफ्लावर है, कॉर्नफ्लावर है तकरीबन 3 टेबल स्पून, ठीक है। ये मेजरमेंट जो है मैं आपको 2 kg की दे रही हूँ, ठीक है। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। अभी मैं सिर्फ जो है वो इंग्रेडिएंट्स आपको बता रही हूँ, मसाले मैं आपको बाद में बताऊँगी, ठीक है। उसके बाद ये घी है मेरे पास, ठीक है, घी मैंने लिया है 3 टेबल स्पून। अब आपको मैं ये बताती चलूँ, अगर आपके पास मीट है जिसमें आपके जो है वो चर्बी के साथ जो है फैट के साथ आपने ग्राइंड किया हुआ है, जिसमें 70% जो है वो आपका रूखा गोश्त है, उसके बाद 30% आपका जो है वो इसमें चिकनाई शामिल है, तो आप इसमें घी ऐड मत करें। लेकिन जैसे मेरा कीमा, इसका कीमा था मेरे पास, जो कीमा था इसमें फैट नहीं था, तो मैंने 3 टेबल स्पून जो है वो इसके अंदर घी का ऐड किया है। ये आप ऐड करेंगे। ये हरी मिर्चें और हरा धनिया है जिसको मैंने बहुत ही बारीक सा चॉप कर लिया है, 6 से 8 जो है वो हरी मिर्चें हैं और तकरीबन हाफ बन जो है वो इसमें हरा धनिया का था, ये मैंने इसमें ऐड किया। 1 बाउल मेरे पास प्याज है 3 मीडियम साइज़ की, इसको मैंने चॉप करके बहुत अच्छी तरीके से निचोड़ लिया है इसका पानी, ठीक है, स्क्वेश कर लेना है आपने और इसमें पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। 3 मीडियम साइज़ की प्याज थी, ये मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब आते हैं हम अपने स्पाइसेस की तरफ, ठीक है। अभी मैंने इसको मिक्स नहीं किया है, मिक्स हम इसको आराम से करेंगे जब हम सारी स्पाइसेस जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। रेसिपी को आप फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेगी। अब मैं स्पाइसेस आपको बताती जा रही हूँ और ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको स्पाइसेस जो है वो मिल जाएंगी, क्वांटिटी आपको, आप नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने लाल मिर्च ली है, ठीक है, लाल पिसी हुई जो मिर्च होती है ये वो है और ये तकरीबन जो है वो 2 टेबल स्पून जितनी है, ठीक है, सॉरी। उसके बाद ये लाल कुटी हुई मिर्चें हैं, ये कुटी हुई मिर्चें मैं इसमें शामिल करूंगी, ये भी तकरीबन 2 टेबल स्पून जितनी लाल कुटी हुई मिर्चें हैं। 1 टेबल स्पून जो है वो मेरे पास नमक है, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से होगा, आप चेक कर लीजिएगा, आपको और ज़्यादा ऐड करना हो तो टेस्ट करने के बाद आप कर सकते हैं। ये मेरे पास हल्दी है, ये 1/4 टीस्पून जो है वो हल्दी है, ये जस्ट कलर के लिए हम यूज़ करते हैं, आप यूज़ करना चाहें तो करें, नहीं करना हो तो भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये मसाला देखिए, ये मसाला जो है ये है मेरे पास गरम मसाला, ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना गरम मसाला है, होल गरम मसाला जो पिसा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास 1/2 टीस्पून जो है वो अजवाइन है, ठीक है, अजवाइन हर घर में होती है, ये अजवाइन है, ये 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर अजवाइन शामिल करूँगी। अच्छा, मैं इसके अंदर जो है वो गरम मसाला ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून। उसके बाद ये स्पाइसेस आप चेक कर लें, ये ज़ीरा है पिसा हुआ और इसके साथ मैंने पीपली और
कबाब चीनी, ठीक है, पीपली और कबाब चीनी इनके बहुत मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। क्योंकि मैं ग्राइंड करके रखती हूँ इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकती। पीपली जो होती है वो एक लंबी सी स्टिक्स होती हैं छोटी छोटी सी, और कबाब चीनी जो होता है वो लाइक ब्लैक पेपर की तरह की छोटी छोटी गोल गोल जो है वो ब्लैक पेपर जैसी होती हैं, ठीक है। ये मैंने पीपली जो है वो तकरीबन 2 स्टिक्स 3 स्टिक्स ली थी, और कबाब चीनी 1/2 टीस्पून लेके जीरे के साथ मैंने इसको ग्राइंड करके रखा हुआ है। ये भी तकरीबन जो है 1.5 टेबल स्पून जितना जो है मेरा है। ये है मेरे पास मीठा सोडा, ठीक है, 1/4 टीस्पून मीठा सोडा मैं इसमें शामिल करूंगी। ये मेरे पास कुटा हुआ धनिया है, ठीक है, ये भी तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना कुटा हुआ धनिया है मेरे पास। और ये लास्ट इंग्रेडिएंट है मेरे पास, ये रेड मिर्च है जिसको हम कश्मीरी लाल मिर्च कहते हैं। ये कलर के लिए यूज़ होती है, इतनी तीखी नहीं होती, लेकिन ये कलर इससे बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी जो है वो स्पाइसेस जो है वो क्वांटिटी के साथ लिख दूंगी, इसलिए आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हैंड आपके अच्छी तरह वॉश होने चाहिए, और अब हमने इसको हाथों की मदद से बहुत अच्छे तरीके से इसको करना है हमने मिक्स। जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, इस तरीके से आप इसको मिक्स करेंगे जैसे कि आप आटा गूंथते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। जितने अच्छे तरीके से आप इसको मैश करेंगे हाथों की मदद से, तकरीबन 5-10 मिनट लगा के, उतने ही आपके सॉफ्ट कबाब बनेंगे। मैंने इसके अंदर कोई अंडा ऐड नहीं किया, मैंने इसके अंदर कोई ब्रेड ऐड नहीं की है, जस्ट मैंने इसके अंदर जो है कॉर्नफ्लावर जो है वो तकरीबन 3 टेबल स्पून डाले हैं, ठीक है। स्पाइसेस कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, स्पाइसेस आपके जो है वो टेस्ट के हिसाब से होंगी, लेकिन ये स्पाइसेस जो मैंने ऐड किए हैं ये भी स्पाइसेस जो है वो अच्छी मीडियम जो है वो स्पाइसी होंगी। ये मैंने इसको बहुत अच्छे से तकरीबन 10 से 15-20 मिनट मैंने इसको अच्छे से जो है वो मिक्स किया है। अब हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन जो है वो 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स रेस्ट देने के बाद जो है हम इसके गोला कबाब तैयार करेंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितने ज़बरदस्त और यमी से कबाब हमारे तैयार हुए हैं। बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया है, 15 मिनट अच्छे तरीके से आप मिक्स कीजिएगा, और उसके बाद आपने तकरीबन 30 मिनट्स इसको इसी तरीके से रख देना है। अच्छा, इसको मैंने तकरीबन जो है वो 1/2 घंटे का रेस्ट दिया था। अब इसमें मसाले अच्छे से जो है वो लग गए हैं। अब आपने क्या करना है, आप इस तरह की कोई भी सीख ले लें, कोई भी गोल चीज़ ले लें, कोई स्ट्रॉ ले लें, या फिर शाशलिक स्टिक्स जो होती हैं उन पे जो है वो फॉइल पेपर जो है वो लपेट के आप जो है वो सीख नुमा जो है वो बना सकते हैं। जस्ट हमें होल करने के लिए जो है वो कोई चीज़ चाहिए, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही थोड़ा सा मैंने हाथों पर पानी लगाया, और एक सफिशेंट अमाउंट देंगे हम जितना बड़ा हमने, क्योंकि गोला कबाब थोड़े छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, तो इस तरीके से लेके हमने और इसको हमने छोटा साइज करना है, और थोड़े से इसको हमने मोटे बनाने हैं। कोई क्रैक नहीं होना चाहिए इसमें। इस तरीके से आपने जो है वो इसको एक कबाब का शेप दे लेना है, गोला कबाब का, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है, और बहुत आराम से आप इसको यहाँ से निकाल लें, और ये आप इसकी शेप चेक कर लें, ठीक है। इस तरीके से बना के आप जो है वो पानी लगाते रहें, और थोड़ा थोड़े जो है वो आप अमाउंट लेके और अपने कबाब बनाते रहें, ठीक है। यार मुझसे ना ग्लव्स पहन के काम नहीं होता, बहुत सारे लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि वो ग्लव्स पहने, या लेकिन अगर आपके हाथ अच्छे तरीके से धुले हुए हैं तो कोई मसला नहीं है, आप हाथ से काम करें, कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये है कि आपके हाथ जो है वो अच्छी तरह वॉश होने चाहिए। चलिए, मैंने कुछ कबाब तैयार किए हैं, अभी हाफ जो है वो मिक्सचर मेरे पास बाकी है, वो मैं बाद में बनाती हूँ, और अब हम करते हैं इनको फ्राई, ठीक है। अच्छा जी, ये ले लिया हमने अपना तवा, आप कोई भी पैन ले लीजिए, तवा ले लीजिए, नॉन स्टिक ले लीजिए, आयरन का ले लीजिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये मैं इसको करूँगी शैलो फ्राई, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड किया है इसमें, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है, बहुत थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, और ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे, और जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर जो है वो हम अपने कबाब ऐड करेंगे, ठीक है।
बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी जो है वो ये कबाब बन के तैयार होंगे। अगर आपके पास सिजलर प्लेट हो सिजलिंग के लिए तो आप उस प्लेट में भी इसको सर्व कर सकते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। प्याज के रिंग्स के साथ जो है वो आप सिजलिंग प्लेट में इसको सिजलर प्लेट में आप इसको सर्व करें, उसके साथ बहुत अच्छे लगेंगे। क्योंकि मेरे पास है नहीं इसलिए मैं इसको नॉर्मल सर्विंग दूंगी, ठीक है। अब आप इसको इन कबाब्स को इस तरीके से आपने इसमें ऐड करने हैं। जितने चाहें आप एक बैच में कबाब बना सकते हैं, तवे का ये फ़ायदा होता है कि आप काफ़ी सारे कबाब जो है वो एक साथ बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैं 8 से 10 कबाब बना रही हूँ, सिर्फ आपको जस्ट इसकी सॉफ्टनेस और इसका जूसीनेस दिखाने के लिए, ठीक है। फ्लेम जो है वो हम थोड़ा सा मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, और इसको एक साइड से हम पहले कुक होने देंगे और उसके बाद जो है वो हम उसको टर्न करेंगे, ठीक है। और बहुत मज़े की खुशबू अभी से आनी शुरू हो गई है, जैसे ही वो धुआं उसमें से निकल रहा है तो बहुत ही अच्छी जितने स्पाइसेस हैं उनकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। बस 2 से 3 मिनट और लगेंगे और ये कबाब हमारे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अच्छा, ये देख लीजिए कबाब हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं, ओवर कुक हम इनको नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको ओवर कुक करेंगे तो ये ड्राई हो जाएंगे, ठीक है। हमने इसका थोड़ा सा मॉइस्चर इनके अंदर रहने देना होता है, ये बहुत जल्दी से कुक हो जाते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि ये कच्चे हैं, नहीं, लेकिन अगर आप इनको बहुत ज़्यादा जो है फ्राई कर लेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। फ्लेम मैं ऑफ कर रही हूँ और इसको मैं निकाल रही हूँ सर्विंग डिश में, ठीक है। फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी जनाब, तो ये देख लीजिए हमारे मज़ेदार जूसी से जो है वो गोला कबाब बनके तैयार हुए हैं। इसको आप ग्रीन पीस चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है, बहुत ही जूसी और यमी बने हैं। और मैं इसको आपको तोड़ के ज़रूर दिखाना चाहूँगी इसकी जूसीनेस, ताकि आपको ये पता चले कि ये कितने जूसी हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, बिल्कुल जूसी से ये आपके कबाब बनके तैयार हुए हैं और यमी, बहुत मज़ेदार है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सजेशन हो तो आप ज़रूर दे सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।